20 feet high structure with over 5 tons of chain link and steel to imprison your favorite superstars while they push their bodies to the limit. कैसे हैं आप WWE Universe? मैं हूं गेलन मेंडोंसा और WWE Now India के आज के एपिसोड में हम रिकैप करेंगे Hell in a Cell के थ्रिलिंग रिजल्ट्स। लेट्स गो। Hell in a Cell के किक ऑफ मैच में WWE Women's Tag Team Champion Natalya ने मैंडी रोज का सामना किया। कई हफ्तों से मैंडी रोज इस मैच की तैयारी कर रही थी, पर Natalya की टेक्निकल स्किल्स के सामने रोज के सभी मूव्स फीके पड़ गए और द क्वीन ऑफ हार्ट्स ने रोज को अपने शार्प शूटर में फंसाकर इस मैच में जीत हासिल कर ही ली। स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में बेली ने बियांका बेलर को अटैक किया, जिसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए इस हेल इन अ सेल स्टील केज मैच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन ने अपने आप को एक बार फिर सुपीरियर प्रूव किया। बेली ने बेलर को हराने के लिए अपने सभी यूजुअल टैक्टिक्स अपनाए, पर बेलर की स्किल्स और रिवेंज लेने की चाहत ने इस मैच में उन्हें जीतने में मदद की। सेजारो के हाथों रेसलमेनिया में मात खाने के बाद सेथ रॉलिंस को फाइनली उन्हें हेल इन अ सेल में सबक सिखाने का एक मौका मिला। एक हाईली फिजिकल बाउट में इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और द स्विस सुपरमैन अंत तक मैच के कंट्रोल में भी लग रहे थे, पर सेजारो का शार्प शूटर मूव भी रॉलिंस को उन्हें अचानक से पिन करके इस मैच में जीत हासिल करने से नहीं रोक सका। बेहद ब्रूटल एक्शन से भरे इस पेपर व्यू में अलेक्सा ब्लिस ने WWE यूनिवर्स को एक बार फिर अपना स्ट्रेंज साइड दिखाया। शेना बेजलर के साथ स्केड्यूल्ड इस वन ऑन वन मैच से पहले द क्वीन ऑफ स्पेड्स खुद भी हिचकिचाती हुई नजर आ रही थी, एंड फॉर गुड रीजन, क्योंकि मैच में ब्लिस का कंट्रोल सिर्फ बेजलर पर नहीं था पर रिंग साइड खड़ी नाया जैक्स पर भी दिखाई दिया, जिसका फायदा उठाकर ब्लिस ने बेजलर को इस मैच में डोमिनेट किया। सैमी जेन और केविन ओवेंस इतने सालों में कई बार एक दूसरे से रिंग में भिड़े, पर इन दोनों के बीच की ये दुश्मनी हेल इन अ सेल में 10 गुना इंटेंसिफाई हुई। ओवेंस अपनी प्रीवियस इंजरीज की वजह से इस मैच में अपना बेस्ट तो नहीं दे पाए, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हार के अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड टर्न्ड एनिमी को काफी हद तक डोमिनेट किया, लेकिन अंत में जेन ने अपनी हेल ऑफ अ किक से ओवेंस के ऊपर जीत हासिल कर ही ली। हेल इन अ सेल के इस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने रिया रिपली पर जीत जरूर हासिल की, पर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का टाइटल अभी भी रिपली के नाम ही है। मैच की शुरुआत से फ्लेयर के डोमिनेटिंग नेचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि रिपली से आज उनका टाइटल छिन जाएगा, पर द नाइटमेयर ने भी हिम्मत नहीं हारी और फ्लेयर को अनाउंस टेबल पर स्मैश किया, जिसकी वजह से मैच वही सस्पेंड हो गया और रिपली अपना टाइटल अपने पास रखने में कामयाब रही। कई महीनों की दुश्मनी के बाद बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर ने फाइनली हेल इन अ सेल में एक दूसरे का सामना किया। इस ब्रूटल मैच में दोनों प्लेयर्स ने अपना सबसे डोमिनेटिंग साइड एक दूसरे को दिखाया और कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के बाद हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि द ऑलमाइटी का रेन इस मैच में खत्म हो जाएगा, पर एमवीपी की डिस्ट्रैक्शन ने लैशली को एक भारी एडवांटेज दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मैकइंटायर को पिन किया और आने वाले कुछ समय तक मैकइंटायर की WWE चैंपियनशिप पाने की अपॉर्चुनिटी उनसे छिन गई। From what we witnessed today, the almighty era is going to last a long, long time. WWE Championship का अगला चैलेंजर आखिर कौन होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए Raw और SmackDown सिर्फ Sony 10.1, Sony 10.3, Sony 10.4 या Sony Live पर। इस पेपरव्यू में आपके फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। That's all for this episode of WWE Now India. मैं हूँ गेलन और मैं आपसे जल्द मिलूंगी। Till then, stay safe and don't forget to wear a mask.